जंगन ये लीजिए जिस इसकी बात की रेवेनेंट ईस्पोर्ट्स हैविंग 664 पॉइंट्स मैसिव पॉइंट्स यहां पे गेन कर चुके हैं और हैंगोटा जस्ट पीछे हैविंग 644 बट अब डिफरेंस देखिए टीएसएम का कितना बड़ा डिफरेंस है। हां वीक 3 में वो डिफरेंस बहुत छोटा लग रहा है बट जब आप पिछले वीक्स के पॉइंट्स गेन करेंगे ना जोड़ेंगे तब आपको लगेगा कि ऑलरेडी टीम्स कितने पॉइंट ले चुकी है। अगर एक्सो की बात करेंगे इस वीक के अंदर बहुत ज्यादा नीचे दिख रहे थे बट अगर आप वही चीज है कि ओवरऑल स्टैंडिंग्स देखेंगे ना ओवरऑल क्वालिफाइंग लीडर बोर्ड आपको पता चलेगा पिछले वीक के अंदर जो पॉइंट्स गेन किए थे ना वो काम आ रहे हैं। गोज फॉर टीम एनिग्मा आल्सो गोज फॉर 7C स्पोर्ट्स आल्सो कहां थर्ड पेज पे दिख रही टीम बट स्टिल आप देख लीजिए यहां पे कितनी ज्यादा ऊपर दिख रही है। ग्लोबल ईस्पोर्ट्स आइंग 517 केमन ईस्पोर्ट्स आइंग 516 एंड गॉड लाइक भी उतना बेहतरीन प्रदर्शन नहीं दिखा पा रही थर्ड वीक के अंदर बट स्टिल क्वालिफाइंग लीडर बोर्ड में क्वालिफाई कर चुकी है टीम। बिल्कुल सही कहा यहाँ पे आप टीएसएम की बात कर लीजिए ज्यादा गैप तो इनके और एक्सो के बीच में नहीं है लेकिन ओजी और टीएसएम का गैप आप देखिए ना के बराबर भी आप जाओगे तो 50 प्लस पॉइंट्स का गैप है 60 प्लस पॉइंट्स का गैप है तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में डाल सकता है क्योंकि उसके बाद फिर एनिग्मा आ जाती है जो 28 पॉइंट्स से पीछे है फिर 7C है 7C इसीलिए मैंने कहा था देखिए इन्होंने वीक 1 वीक 2 में इतना अच्छा प्रदर्शन दिखा दिया था कि वीक 3 में इनको इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा नहीं दैट्स वाई इतना नहीं प्रेशर डाल रहे हो सिर्फ ग्रैंड फिनाले को अभी के लिए फोकस कर रहे हैं और ये चीज़ कहीं ना कहीं हद तक यहाँ पे हर सही रहेगी। ग्लोबल ईस्पोर्ट्स 517 कैमिन 516 और फिर गॉड लाइक 489 पॉइंट्स बिल्कुल सही बात है एंड देखते हैं क्या आने वाला बिकॉज सेकंड पेज के ऊपर नजर डालेंगे आई वुड लव टू सी कि बैरियर क्या सेट किया गया टॉप 18 का टीम के द्वारा एंड ये लीजिए सेकंड पेज स्काईलाइट्स किसी तरह 18 तक पहुंच चुकी है बैरियर सेट किया गया 397 पॉइंट्स का बट अगर अब कल के दिन स्काईलाइट्स ने नहीं परफॉर्म किया ना प्रीटी मच और पीछे कर दी जाएगी एंड आई डोंट वांट दिस टीम बिकॉज आई डोंट वांट दिस टीम टू मी गेट बैक बिकॉज देखिए इतना बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया ना एंड के दिनों में एंड अगर आपको याद हो थर्ड वीक का फर्स्ट डे जो था उस दिन बहुत 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 बड़े प्रश्न दिखाया फर्स्ट वीक में थर्ड वीक के फर्स्ट डे में टॉप पे बैठी थी टीम एंड अगर इसी तरीके का प्रदर्शन वापस दिखा दे तो बहुत जल्दी क्लाइम करेगी बट अगर नहीं दिखा पाएगी तो प्रीटी मच श्योर हो सकता 19th या 20th पोजीशन पर जाएगी एंड देन टॉप 18 में नहीं दिखेगी हमें। सही कहा वो चीज जरूर हो सकती है देखिए 18 पोजीशन पे अभी स्काईलाइट्स बनी हुई है टीम फॉरएवर 17 पे मार्कोस सेल्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया था जिसके चलते 8-bit के भी कुछ मैचेस बहुत बढ़िया गया राइवलरी का वीक 3 बहुत बढ़िया गया है ओआर इनसेन स्टेलवर्ड ईस्पोर्ट्स ये सब क्वालिफाई कर रही हैं बट अभी जब आप इसके बाद वाला पेज देखिएगा तो डिफरेंस देखिएगा कितना है 397 एंड पॉइंट है 18 पोजीशन के लिए मतलब किसी टीम को अगर बीटअप करना है तो स्काई लाइट्स जितने भी पॉइंट्स निकालेंगे उससे आपको ऐड निकालने हैं देखिए 389 अब आप बताइए ये कंपटीशन कितना ज्यादा टफ है यहाँ पे हर्ष गैलेक्सी रेसर्स को एक चिकन डिनर और स्काईलाइट्स नीचे ये ऊपर बट वही तो मेन चीज यहाँ पे क्रिएट हो रही है कि अगर ये पॉइंट्स निकालेंगे तो क्या सेम जगह पे आपकी जो दूसरी टीम है स्काईलाइट्स वो भी तो निकालेगी फॉरएवर भी तो निकालेंगी टीम सोल ज्यादा पीछे नहीं है लेकिन हाँ गैलेक्सी रेसर्स और इनके बीच में एक अच्छा खासा डिफरेंस है मोर देन 20 पॉइंट्स अब वो देखते हैं किस तरीके से एम करते 30 पॉइंट्स का वो डिफरेंस है आईएनडी 348 तमलास 316 पॉइंट्स के साथ है फिर आपको तमला 316 एफएनएस 315 रैकनिंग ईस्पोर्ट्स 314 हाइड्रो ऑफिशियल 308 आईएनएस 278 उसके बाद ब्लाइंड ऑफिशियल 274 एक दिन बढ़िया आ गया बट नहीं इसके पुराने मैचेस नहीं अच्छे गए जिसमें से ब्लाइंड अभी बहुत पीछे है 600 का आंकड़ा अगर आप देखेंगे वो पार चल रहा है टॉप के पेज पे फर्स्ट टीम का एंड ब्लाइंड अभी यहां पे 300 नहीं पार कर पा रही यानी कि नामुमकिन हो चुका है इनके लिए बट थिंक इसकी हाँ जो टीम स्टॉक में लाइक गैलेक्सी रेसर्स टीम सोल टीम आईएनडी इनके लिए अभी भी एक छोटा मौका है कि क्या पता कल का दिन थोड़ा सा मिराकलस चल जाए जिसका से एटलीस्ट 17th या 18th पोजीशन पे आ जाए एटलीस्ट आई वुड से क्वालिफाई तो कर जाए तो देखते हैं क्या आने वाला है कल के दिन पे बिकॉज ये सारी चीजें कल ही पता चलेंगी। हाँ कुछ टीम से उम्मीदें थी आई वुड से रेकनिंग तमिलास हाइड्रा बिकॉज इनके तरफ से कुछ बढ़िया गेम प्लेस आते दिखे हाइड्रा एंड ब्लाइंड बहुत बढ़िया क्लाइम भी की बट बात करेंगे ओवरऑल फ्रैगर्स गाइस इसका कोई प्राइस पूल नहीं है दिस इज जस्ट फॉर अमराल बुश आपको पता चले कि आपकी फेवरेट टीम्स कितना बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं ओजी एके ओपी 111 इतना बेहतरीन स्कोर जब आता दिखता था मजा आता है देखने में बिकॉज आप देखिए 111 फिनिशेस निकाल गए यहाँ पे सारंग हैविंग 103 फिनिशेस एक्विनॉक्स एक फिनिश बस कम है वरना यहाँ पे एक सेंचुरी इनके तरफ से भी लगती दिखती एनिग्मा एगी इतना बेहतरीन प्लेयर 98 फिनिशेस निकाल चुके हैं गॉडल जॉनथन हम सब जानते हैं गॉड इज स्टिल देयर ऑन द लीड 97 फिनिशेस लेके बैठे हैं यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म भी कर रहे हैं बिल्कुल सही कहा यहाँ पे